हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वॉल्वो का इलेक्ट्रिक लोडर खड़ा है। और इसका लोडर क्यों टेढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों जो लोडर है ना, ये इसकी तरह नहीं है, ये वाली EC500 एक्सेवेटर की तरह। इसमें तो दोस्तों लाइव करंट चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों बैटरी बैकअप रहेगा हमेशा। चलो आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। लोडर का मॉडल नंबर L120 और ये देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। और टायर नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं उसके 23-5R25 के दोस्तों इसमें टायर हैं। लोडर दोस्तों इसलिए टेढ़ा है, मतलब साइड को ऐसे झुका हुआ है। इसमें दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं। ये लोडर जो आप देखोगे ना, चलो मैं उधर जाके बताऊंगा, इसके बाद में बात करते हैं। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं लोडर के फीचर्स के बारे में। इसमें 200 किलोवाट की मोटर लगी हुई है और इलेक्ट्रिक सिस्टम दोस्तों जो इसका है वो 618 वाट का है। ये आप देख सकते हैं इसमें ये दोस्तों ट्रांसमिशन लगा है। बाकी सारा सिस्टम दोस्तों वही है, बस इंजन की जगह यहाँ पे मोटर कर दी गई है। 19 टन 200 kg इसका जो है ऑपरेटिंग वेट है। ये देखिए दोस्तों पीछे से इस तरीके का दिखता है ये इलेक्ट्रिक लोडर इनका। बहुत अच्छा यूनिक डिजाइन है। और इधर देखिए दोस्तों L120 और इधर से देखो तो हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था लोडर के बारे में। ये लोडर जो है ना दोस्तों, बेसिकली टनल में जो चलते हैं ना उस टाइप से है। टनल में दोस्तों ज्यादा स्पेस नहीं होता ना ऐसे लोडर को, ऐसे आगे को ऐसे फोल्ड करने का। तो जैसे इस तरीके से साइड में फोल्ड करके भी आप डंप कर सकते हैं, यहाँ इस साइड में या उस साइड में, दोनों साइड में आप कर सकते हैं। उस साइड में करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। ये पिन निकाल के यहाँ से और इस साइड पिन ये डालनी पड़ेगी, इस साइड, ठीक है ना। इस साइड इसमें पिन डाल देंगे तो ये लोडर आप इधर को वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो सिलेंडर है इस साइड करता है, लेफ्ट एंड राइट करता है, इसमें बीच में लगा हुआ है सिलेंडर। जिस साइड से पिन खुली होगी उस तरफ से ये लोडर उड़ जाएगा। बाकी इसमें दूसरा लोडर के अटैचमेंट भी हम कर सकते हैं। ये दोस्तों जिसमें बकेट लगा हुआ है 3 क्यूबिक मीटर का लगा हुआ है रॉक बकेट। और इसमें दोस्तों हम जो जनरल बकेट है वो लगा सकते हैं, 5.2 क्यूबिक मीटर का भी हम इसमें बकेट लगा सकते हैं। 282 किलोवाट की इसकी बैटरी कैपेसिटी है। और दोस्तों ये फास्ट चार्जर से 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। और 1 घंटे चार्ज होने के बाद ये दोस्तों आराम से 8 से 10 घंटे चलता है। अगर 10 घंटे कंपनी क्लेम कर रही है तो 8 घंटे तो आप मान लीजिए कि मिनिमम चली जाता है ये। इसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है, तो एक बार चार्ज करो और 7-8 घंटे आराम से चलाओ बिना किसी रोक टोक के। और दूसरी बात दोस्तों, एयर कंडीशनर है ये व्हील लोडर। असेंबल्ड इन लिखा नहीं है दोस्तों, मेड इन चाइना वॉल्वो लिखा है। ये मशीन दोस्तों जो है अभी सेल्स के लिए नहीं है, अभी रेंट के लिए दे सकते हैं मशीन। 2000 रुपये पर हावर के हिसाब से एक महीने में 300 घंटे के अवेलेबल है। 300 घंटे से ज़्यादा इनका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। LED लाइट दोस्तों इसमें लगी हुई है इनकी, तो यही है दोस्तों, बाहर से दिखा सकते हैं, अभी ज़्यादा ये रिवील करने दे नहीं रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, कहीं नज़र ना लग जाए। तो ये था दोस्तों इसका छोटा सा रिव्यू, कैसा लगा आपको? अब दोस्तों सारी मशीनें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होती जा रही हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।